हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिड बेंचेस क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, डे बिफोर येस्टरडे हमने प्रैक्टिस सेट 17.1 किया था। टुडे नाउ दिस इज़ न्यू टू यू ऑल। क्या है आर्क्स करस्पॉन्डिंग टू कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, इसके बारे में पढ़ेंगी। अगर आप ये फिगर देखो, इसमें आपको फिगर में सी सेंटर दिया है और ए बी एक कॉर्ड है, हाँ, और यहाँ आपको एक्स लिखा गया है, यहाँ वाई लिखा गया है। तो अब इसमें ये फिगर में ए बी इस कॉर्ड ऑफ अ सर्कल में सेंटर हो, जो छोटा ये जो आग बनता है ये इसको हम बोलते सॉरी जो ये छोटा कट है कॉर्ड जो स्मॉल पोर्शन को कट करता है, तो वहाँ एक सामने आपको एक सर्कल मिलता है, हाफ सर्कल जो भी सर्कल मिलता है ये माइनर आग होता है, और ये जो है इसको क्या बोलेंगे हम मेजर आग। तो माइनर आग कौन है हमारा, ए एक्स बी है, और मेजर आग कौन है, ए वाई बी है। माइनर मीन्स स्मॉल एंड मेजर मीन्स बिग, दिस यू हैव टू रिमेंबर। सो मोर ओवर कॉर्ड ए बी इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ आर्क। किसका करस्पॉन्डिंग कॉर्ड है, ए एक्स बी का भी और ए वाई बी का भी। दिस मच यू हैव अंडरस्टूड, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट आपके पेज में आ जाइए, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स। कॉन्ग्रुएंट आर्क कैसे बनता है, इफ़ द मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम। अगर दो मेजर ऑफ टू आर्क, अभी यहाँ दो आर्क है, एक आर्क है ए ओ बी, ठीक है, एक एंगल है सॉरी एक आर्क है ए एक्स बी, एक आर्क है डी वाई सी या सी वाई डी। इफ द मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल आर सेम देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, देन टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर इनके आर्क्स के मेजर सेम है तो मतलब ये आर्क्स क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये फिगर में क्या बोला है, इन द सर्कल विद सेंटर ओ, ये सर्कल में क्या है, सेंटर ओ है, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजर एंगल डी सी ओ डी। ये दोनों एंगल एक दूसरे को इक्वल है, क्योंकि देख रहे हो आप वर्टिकली ऑपोजिट एंगल मिल रहा है, इसके लिए दोनों एंगल क्या हो गए, एक दूसरे को इक्वल हो गए। अब ये एंगल के सामने कौन सी आर्क है, यहाँ ए ओ बी के सामने ए एक्स बी आर्क है, एंड सी वाई डी के सामने सी वाई डी आर्क है, सॉरी सी ओ डी के सामने सी वाई डी आर्क है। सो इफ दीज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये जो आर्क को इंटरसेक्ट करते वो आर्क भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। दैट मीन्स आर्क ए एक्स बी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी वाई डी। अगर आपको लगता है तो आप इसमें, इन्होंने बोला कि आपको अगर लगता है कि ये करेक्ट नहीं है तो आप ट्रेस पेपर यूज़ करें, बट दिस आर द प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखनी है। कल को आपको जैसे आप 9th और 10th में जाओगे आपको इस बेस पर थियरम्स आएंगे, ठीक है ना। एक्टिविटी वन में बोला है ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल बना है उसे क्या दिया नाम, सेंटर क्या दिया, ओ। ड्रॉ एंगल सी ओ डी, सी ओ डी एंगल ड्रॉ किया है, एंड एंगल ए ओ बी और द सेम मेजर, दोनों के मेजर सेम है। You will find the arc AXB and arc CYD are congruent. तो अगर आप कोई भी दो एंगल बना रहे हो वही एक सेम ट्राइंगल में, वो जो एंगल जो साइड को कट करेगी मतलब साइड को इंटरसेक्ट करेगी वो आर्क भी जो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ड्रॉ कॉर्ड्स ए बी एंड ड्रॉ कॉर्ड सी डी बोला गया है। यूजिंग कंपस यू कैन सी, तो ये एक्टिविटी में आपको समझता है कि कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क बनाते हैं, ठीक है। अगर दो कॉन्ग्रुएंट एंगल एक सर्कल में, तो वो जो दो आर्क को इंटरसेक्ट कर रहे वो दोनों आर्क भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या दिया है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर सी, ठीक है, आपने सर्कल ड्रॉ किया उसका सेंटर क्या है, सी। आपने कॉर्ड्स को भी ज्वाइन किया एंड रेडिया ही ज्वाइन कर लिया। अब चेकआउट आपको देखना है कि ये एंगल, जैसे पहले एंगल दिया था आर्क बताया था, वैसे आपको बताया कि अभी आपको देखना है कि ये एंगल कॉन्ग्रुएंट है क्या। अगर आपने देखा एंगल ए सी बी और डी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट मिलेंगे, सो आर्क ए बी और डी ई बी क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे, हेंस दिस आर्क्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट। सो नाउ आई नो द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग, ये प्रॉपर्टी याद रखो, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट इन अ सर्कल, इन अ सर्कल इफ टू कॉर्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो कॉर्ड्स सेम मेजरमेंट के हैं, देन द करस्पॉन्डिंग माइनर आर्क, उसके सामने जो माइनर आर्क बनता है और मेजर आर्क जो रहता है वो भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस मच। नाउ विल प्रोसीड टू प्रैक्टिस सेट 17.2। ये हो जाएगा तो हम मिसलेनियस स्टार्ट करेंगे कल से, फाइन। सो
लेट मी राइट द क्वेश्चन ऑफ प्रैक्टिस सेट 17.2. इट इज़ नॉट सो ईजी हार्ड लेसन स्टूडेंट. अगर सिर्फ आपको समझना है और आपको अगर बेसिक कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा ना तो इट विल बी ईजी फॉर यू टू स्टडी इन 9th and 10th. बहुत ईजी हो जाएगा आपको. क्या दिया है? डायमीटर पी क्यू एंड आर एस ऑफ द सर्कल विद सेंटर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट सी स्टेट वाई आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट. Write the other arcs which are congruent to arc PS. This is your circle. आपको क्या दिया है? PQ और RS जो है उसके diameter है, ठीक है? और जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उनका सेंटर क्या है? एट पॉइंट सी, ठीक है. एंड दे आर परपेंडिकुलर. जो दोनों जितने दोनों जो डायमीटर है दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे. सो राइट, हमें क्या बताना है? स्टेट वाई आर्क पी एस एंड आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट. राइट द अदर्स आर्क विच आर कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी एस. ये दोनों हमें बतानी है. सो जैसे कि बोला कि डायमीटर पी क्यू और आर एस जो है वो क्या कर, वो है परपेंडिकुलर एट पॉइंट सी. अगर वो परपेंडिकुलर है तो जो एंगल हमारे पास बन रहा है एंगल पी सी एस ये 90 डिग्री होगा. एंड एंगल एस क्यू सी भी क्या होगा? 90 डिग्री. इफ़ दिस टू एंगल्स आर 90 डिग्री, जितने भी एंगल्स इसमें 90 डिग्री हो जाएंगे. अगर ये एंगल 90 डिग्री है, इनके सामने की जो आर्क है वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा. फाइन, तो लिखते हैं द डायमीटर पी क्यू एंड आर एस ऑफ अ सर्कल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट द सेंटर सी. एट द सेंटर सी therefore measure angle PCS equal measure angle SCQ equal measure angle RCQ equal measure angle PCR. ये सब इसको इक्वल है 90 डिग्री को. तो therefore measure arc PS, arc PS के सामने कौन सा एंगल है? equal measure angle PCS, ठीक है. they are equal to 90 degree, give it one. same सभी आर्क के लिखेंगे मेजर आर एस क्यू या क्यू एस, क्यू एस बोला है ना हमने, एस क्यू बोल सकते हो. इक्वल मेजर एंगल एस सी क्यू इक्वल 90 डिग्री, गिव इट टू. मेजर आर्क आर क्यू इक्वल मेजर एंगल आर सी क्यू या क्यू सी आर इक्वल 90 डिग्री, इसको 3 दे दो. मेजर आर्क पी आर इक्वल मेजर एंगल पी सी आर इक्वल 90 डिग्री, इसको आप 4 दे दो. हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था पी एस एंड आर्क एस क्यू. सो ऑल आर्क्स आर ऑल्सो 90 डिग्री, दैट मीन्स देयरफॉर आर्क पी एस इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क एस क्यू फ्रॉम 1 and 2, ठीक है. इतना पार्ट क्लियर. अब फ्रॉम 1, 3 and 4, ठीक है. 1, 3 and 4 क्या आएगा? आर्क पी आर क्यू एंड आर पी आर आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू आर्क पी एस. सो देयरफॉर
कौन कौन से आर्क सब कॉन्ग्रेंट है, आर्क पी एस कॉन्ग्रेंट टू आर्क, आर क्यू कॉन्ग्रेंट टू आर्क, पी आर, ठीक है, पी एस कॉन्ग्रेंट टू आर क्यू कॉन्ग्रेंट टू पी आर। आया समझ में आपको ये सब? ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन में जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या बोला है, इन द फिगर ओ इज अ, ये जरा आज अगर ये क्वेश्चन आपको आता है ये 4 मार्क के लिए आ सकता है स्टूडेंट, और आने के चांसेस है अगर आपके टीचर्स जा सकते तो। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हूज डायमीटर इज mm, मेजर ऑफ सम सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मीन्स मेजर ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन। सॉरी स्टूडेंट, आई वॉज नॉट नोइंग, मेरा कैमरा बंद हो गया था। अगेन आई एम कंटिन्यूइंग, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज mm, मेजर ऑफ सम सेंट्रल एंगल आर गिवन इन द फिगर। आपको आगे का फाइंड करना है कि क्या है, तो हम बैक पीछे जाते हैं क्योंकि यहाँ कंप्लीट नहीं होगा सब। विल गो टू नेक्स्ट पेज, यही करते हैं। सो आपके पास ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है, सेंटर इज ओ, एम डी सी बी सी, ये एन है, ये 35 डिग्री है, दिस इज 35 डिग्री, एंड दिस इज ए, दिस इज 100 डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो 100 डिग्री। दिस टाइप ऑफ फिगर यू आर हैविंग, फाइन। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजर एंगल ए ओ बी, आपको ये ढूंढना है, फाइंड मेजर एंगल ए ओ बी एंड मेजर एंगल सी ओ डी। वेयर इज ए ओ बी, ए ओ बी यहाँ है और सी ओ डी यहाँ है, आपको ये ढूंढना है। नाउ एज यू नो एम एन जो है वो डायमीटर है, क्वेश्चन में ही बोला है, तो लिखेंगे सेगमेंट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन है सेगमेंट, एम एन इज अ डायमीटर, दिस इज गिवन, ये आपको ऑलरेडी दिया है। अगर ये डायमीटर है तो एंगल एम ओ ए प्लस एंगल ए ओ एन कितना होगा, सो एम एन इज़ अ डायमीटर, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर एम एन डायमीटर है, इसके अंदर इसे अगर ये डायमीटर है, इसमें जितने भी एंगल्स बनते हैं हाँ ये पूरे, तो वो सब मिलके कितना होंगे, 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री होंगे, कि ये एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इट्स इन अ लीनियर पेयर। ओके, सो लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल एम ओ ए प्लस मेजर एंगल ए ओ एन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन आएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, इतना पार्ट क्लियर। अब एम ओ ए कितना है आपके पास, एम ओ ए ओ एन है, इस 100 प्लस मेजर एंगल ए ओ एन हमारे पास नहीं है, पर मेजर एंगल ए ओ एन के अंदर क्या है, मेजर एंगल ए ओ बी प्लस मेजर एंगल बी ओ एन है, हाँ इक्वल 180 डिग्री। और बी ओ एन आपको कितना दिया है, 100 प्लस मेजर एंगल ए ओ बी प्लस 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 100 प्लस 35 इज 135 प्लस मेजर एंगल ए ओ बी इक्वल 180 डिग्री। देयरफॉर मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 माइनस 135, क्या कितना मिलेगा, मेजर एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 45
डिग्री, कितना मिला 45 डिग्री। जैसे हमने ए ओ बी के लिए बताया वैसे ही आप सी ओ डी के लिए बता सकते हो। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, लिखना है सिमिलरली मेजर एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 45 डिग्री। नो नीड ऑफ, आपको सेम तरीके से ही प्रूव करना पड़ेगा, तो इसको सिमिलरली करके आप लिख सकते हो। दिस वॉज योर फर्स्ट क्वेश्चन आंसर। अब सेकेंड के लिए आपको बोला है शो दैट आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी। नाउ इफ यू सी द फिगर, आर्क ए बी कौन से एंगल के सामने है, एंगल ओ ए बी के सामने, एंड आर्क सी डी किसके सामने, एंगल सी ओ डी के सामने। दोनों एंगल हमें अभी पिछले क्वेश्चन में मिला, दोनों एंगल 45 डिग्री है। अगर ये एंगल 45 डिग्री तो मतलब ये आर्क ए बी आर्क और सी डी आर्क भी 45 होंगे, दोनों 45, दैट मीन्स दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर कॉन्ग्रेंट। लिखेंगे मेजर आर्क ए बी इक्वल मेजर एंगल ए ओ बी दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सेम मेजर आर्क सी डी इक्वल मेजर एंगल सी ओ डी, अगेन इट इज इक्वल टू 45 डिग्री। देयरफॉर मेजर आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट टू इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू मेजर आर्क व्हाट सी डी, दिस इज योर आंसर। लिखना है आंसर में देयरफॉर आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट टू आर्क सी डी। रीजन आर्क्स आर ऑफ सेम मेजर। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नाउ हमें बताना है कि ए बी को और कॉन्ग्रुएंट है सी डी को। थर्ड क्वेश्चन में शो दैट कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू कॉर्ड सी डी। सो लिखोगे आर्क ए बी का मिला है ना हमें, आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट है आर्क सी डी को। अगर आर्क ए बी कॉन्ग्रेंट है आर्क सी डी को तो देयरफॉर कॉर्ड ए बी विल ऑल्सो बी कॉन्ग्रेंट टू कॉर्ड सी डी। यहाँ रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, सो दिस वॉज योर लेसन, होप यू हैव अंडरस्टैंड। इट इज़ नॉट सो हार्ड, ईजी है, प्रैक्टिस करो, प्रॉपर्टी खाली ध्यान में रखना है, आ जाएगा। सो कल से हम मिसलिनियस एक्सरसाइज 2 स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कब तक होता है। फाइन, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।